हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आज है नवरात्रि का दूसरा दिन कुर्ती और प्लाजो पहना था आज मैंने साड़ी नहीं पहनी थी तो ये कुर्ती मैंने हरिद्वार से खरीदी थी आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए कि वहाँ हरिद्वार में क्या क्या चीजें मिलती है तो ये कुर्ती जो मैंने हरिद्वार से खरीदी थी बहुत ही सस्ती प्राइस में खरीदी थी अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए कि हरिद्वार में क्या क्या, क्या चीजें कौन से प्राइस में मिलती है उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है क्योंकि मैं वहाँ गई थी तो खरीदी की थी आज का आजकल सुबह से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी पाँच बजे ही तो मैंने पूजा भी कर ली है तो अब चलते हैं किचन में लंच बॉक्स की तैयारी कर लेते हैं बना लेते हैं नाश्ता तो आज लंच बॉक्स में मैं बना रही हूँ बटर वाली रोटी तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये रोटी क्रिस्पी और क्रंची लगती है तो कल रात को बहुत सारी रोटियाँ बच गई थी तो आज मैं नाश्ते में यही यूज़ करूँगी तो मैं तवा गरम कर लूँगी उसके ऊपर लगा लूँगी बटर और रोटी को उस पर अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए तब तक मैं उसको सेकूँगी एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब तक मैं उसे सेक लूँगी तो ये रोटी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है जब रात को कभी रोटी बच जाती है तो मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ तो सुबह नाश्ते में सबको चल जाती है मैं भी यही रोटी खा लूँगी तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और ये बटर वाली होती है तो बहुत ही खाने में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं आज उसको नाश्ते में यही रोटी बना के दूँगी तो मैंने सारी रोटियाँ क्रिस्पी होने तक सारी सेक ली आप देख सकते हैं मैं उसको तोड़ रही हूँ तो वो अच्छे से टूट जा रही उतनी आपको क्रंची बनानी है तो यहाँ पर मैं उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दूँगी तो यहाँ पर मैंने ले ली है ककड़ी थोड़ा सी मैं वो डाल दूंगी और डाल दूंगी टोमेटो केचप और रोटी के इस तरीके के मैं टुकड़े कर रही हूँ क्योंकि लंच बॉक्स में पूरी इस तरीके से रोटी आएगी नहीं तो मैं टुकड़े कर कर डाल रही हूँ फटाफट से भागना पड़ रहा है जल्दी से कपड़े बदले ये कंगी भी मैं हाथ में ले लिए गाड़ी में बाल कर लूँगी हम भूल गए थे मैं बताती हूँ रास्ते में कहाँ जा रही हूँ तो जल्दी से लाइट बंद कर देती हूँ और जल्दी से भागते हैं फटाफट बहुत अचानक से भागना पड़ रहा है जल्दी ताला दे देती हूँ कपड़े बदले बाल भी नहीं बनाए बताती हूँ आपको तो मैं यहाँ बना रही हूँ बाल बहुत ही जल्दी जल्दी में भागा तो बाल बनाने का समय भी नहीं मिला क्योंकि हम भूल गए थे मेरे बेटे का पासपोर्ट जो पूरा हो चुका था उसको रिन्यू करने दिया था तो आज उसकी डेट थी जाने की तो हमारे दिमाग में से ही निकल गया कि आज डेट है वो तो वहाँ से फ़ोन आया तो हमें जल्दी जल्दी में खाना खा रहे थे ऐसे ही सब छोड़ मैं भागी हूँ ताकि मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं अपने बाल बनाऊँ क्योंकि ढाई बजने वाले थे और हमारी अपॉइंटमेंट थी तो हम जल्दी जल्दी से भागे और मैंने बाल भी आप देख सकते हैं रास्ते में बनाए हैं you no I... तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से जा रहे क्यों चुके ऑफिस तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ढाई बज चुके थे तो हमें लग रहा था कि काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं वरना फिर से दूसरी अपॉइंटमेंट मिलेगी तो ये भी हमें महीने के बाद की मिली थी तो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी पासपोर्ट की अभी लेकिन रिन्यू करवाना था तो फिर से अपॉइंटमेंट बाद में मिलेगी तो हम वैसे ही चले गए जल्दी जल्दी और बहुत ही धूप है आप देख सकते हैं इतनी धूप है ढाई बजे है और मुझे तो घर का काम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम बैठे उसने बोला कि वेट करो हमारा नंबर आएगा तो मैं बैठी हूँ और बहुत ही थक चुके हैं और यहाँ पर अब हम निकल चुके थे हमारा काम हो चुका था पासपोर्ट जो है वो घर पर आ जाएगा तो हम निकले हैं घर जाऊंगी तीन बज चुके हैं जाकर पूरा काम पड़ा है घर का बर्तन करने हैं ऐसे ही सब छोड़ कर आई हूँ तब तो जाकर वो सारा काम करूँगी तो हो चुकी है शाम और मुझे थोड़ा सा मार्केट में काम है तो मैं जा रही हूँ मार्केट तो मैं वॉलेट ले लेती हूँ अपना पर्स ले लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे मार्केट में काम है तो मैं आधे घंटे में जाकर आ जाऊंगी तो मैं पहले फटाफट से जाती हूँ मार्केट फिर आकर खाना बनाना है तो मैं पहले जो मेरा काम है वो मार्केट में वो कर कर आ जाती हूँ तो मैं मार्केट से आधे घंटे में आ चुकी थी तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल मेरे हस्बैंड को दाल चावल खाने थे उसका नवरात्र है तो वो दोपहर को खाना नहीं खाते वो सीधा रात को ही खाते दोपहर को फ्रूट खा लेते हैं तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा किचन में सी पड़ा है उसको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ ताकि रसोई बनाने में जगह बन जाए तो मैंने यहाँ दाल उबालने के लिए रख दी है यहाँ पर मैं चावल भी निकाल रही हूँ उसको भी मैं निकाल कर पानी से पाँच छः बार धोकर उसको भी चढ़ा दूंगी तो आज तो मेरा पूरा दिन इतना है रहा है दोपहर को मैं ऐसे ही काम छोड़कर गई थी और वापस आने के बाद मैंने पूरा काम किया है तो मैं चार बजे तक मेरा काम चला है तो कभी कभी हो जाता है पता नहीं दिमाग में से निकल गया अपॉइंटमेंट की तारीख थी वो डेट थी जाने की लेकिन दिमाग में से निकल गया वो तो फ़ोन आया तो तुरंत ही मैं निकली ऐसे ही सब छोड़ छाड़ के चली गई थी तो फिर वापस आई तो चार बज गए थे उसके बाद सब काम किया तो मैंने राइस भी लगा दिया है उबालने के लिए अब मैं छान रही हूँ आटा उसको भी मैं लगा लूंगी आटे को उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी और आटे को गूंथ मैं अलग कंटेनर में निकाल कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए तब तक मैं दिया बाती कर लूँगी गरबा में धूप दिया करना है माता रानी के पास तो वो मैं पूजा कर लूँगी तो मैं इतना काम करके कर रख देती हूँ ताकि मैं जल्दी से दिया बाती कर लूँ उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से फटाफट खाना बना पाऊँ तो इसलिए मैं इतना खाना बना कर रखती हूँ फिर मैं कर लूँगी माता रानी के पास पूजा मैं तब तक कर लूँगी आरती कर लूँगी स्तुति कर लूँगी वो मैं अभी नवरात्रा चल रहा है तो मैं करती हूँ आरती और स्तुति करती हूँ और थोड़ा सा भजन करती हूँ तो मैं इतना खाना बना कर वो मेरा कर लूँगी तब तक टाइम हो जाएगा खाना बनाने का तो इतना प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि फिर मैं जल्दबाजी ना हो फिर रात को नवरात्रा में खेलने भी जाना होता है तो जल्दबाजी में करना पड़ता है फिर तुरंत ही हमें फिर से तैयार होकर फिर से जाना है तो इसलिए मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी सब निपट जाए और हाथों हाथ मैं प्लेटफॉर्म पर भी थोड़ी सी सफाई कर दूँगी गैस पर थोड़ा सा साफ कर दूँगी और प्लेटफॉर्म में उसको भी साफ़ कर दूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना लगे मैं जब डीप क्लीन तो मैं रोटी बना लूँगी उसके बाद करूँगी और हाथों हाथ जो ये परात और आज मैंने दोपहर को हम गए थे बाहर तो लंच बॉक्स मेरा बेटा निकालना भूल गया था आकर शाम को निकाला है तो वो बर्तन भी रह गए तो मैं हाथों हाथ तो वो बर्तन पहले घिस देती हूँ फिर पूजा करती हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो तो पहले वो मैं साफ़ कर लेती हूँ मैंने सारे बर्तन धो लिए धोकर मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर ही रख दिया था क्योंकि मैं सीधे नीचे रखती ऊपर तो ज़्यादा पानी सीधा नीचे गिरता तो मैंने पहले ऊपर रखा फिर झाड़ कर मैंने साइड में रख दिया है मुझे बर्तन भी चढ़ाने बहुत सारे पड़े हैं लेकिन पहले मैं बना लेती हूँ दाल तो मैंने तेल डाल दिया है उसके अंदर गर्म होने पर राई डाल दिए जीरा डाल दिया है थोड़ी सी हींग डाल दिए है उसको अच्छे चटकने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमेटो एन हरी मिर्ची उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और डाल दूंगी नमक ताकि जो टोमेटो है अच्छे से जल्दी से गल जाए और पक जाए तो मैंने नमक डाल दिया है तो टोमेटो है हमारे पक चुके हैं आप देख सकते हैं गल गए तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया पाउडर लाल मिर्च का पाउडर और ये दाल उबली हुई है वो मैं डाल दूंगी ताकि अब अच्छे से आप देख सकते बहुत ही टेस्टी वाली ये दाल बनती है तो मेरी दाल जो उबल चुकी है लास्ट में मैं डाल दूंगी गरम मसाला ये गरम मसाले में कुछ भी नहीं है ऑनियन वो और लहसुन नहीं है अंदर और लास्ट में मैं डाल दूंगी नींबू का रस और मेरे राइस भी बल चुके हैं तो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं बाद में